यूपी की सियासत बड़ी दिलचस्प हो चली। अखिलेश यादव 24 का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जबकि शिवपाल यादव भी नामांकन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। शिवपाल यादव बदायूं से खुद नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपने बेटे आदित्य को वहां से मैदान में उतारना चाहते हैं कि उनकी लॉन्चिंग हो जाए। समाजवादी पार्टी उनके इस प्रस्ताव को मानने के लिए भी तैयार हो गई है, और इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खूंटा गाड़ा है कि चाचा भतीजे एक तरह से बौखों पर दे रहे। पहली बार प्रचार करने निकले अखिलेश यादव को सीएम योगी ने कई मोर्चों पर फंसा दिया। किस तरह 24 के इलेक्शन में अखिलेश सीट छोड़ बन रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अखिलेश यादव 24 के चुनाव के लिए प्रचार करने निकले तो पहली बार उस सीट पर पहुंचे जहां से कैंडिडेट का ही अनाउंस नहीं किया था, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बदायूं में जनसभा की जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद भी कंफ्यूज है। योगी का टारगेट है कभी मुलायम के गढ़ के तौर पर सीट कही जाने वाली बदायूं और कन्नौज में 19 की तरह ही 24 में जीत हासिल हो, जबकि अखिलेश यादव का प्लान है बदायूं और कन्नौज में किसी तरह बदायूं की साख को बचाना। यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। चुनाव के बाद 5 वर्ष तक उनको खूब घुमाइए, गांव-गांव बुलाइए, घर-घर बुलाइए। दिन अच्छे आने दो, नवरात्र के दिन सब जानकारी होगी आपको, और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। 24 की फाइट अखिलेश के लिए कितनी टाइट है और योगी के लिए किस तरह एक तरफा, इसे समझने के लिए बीजेपी की रणनीति को जानना बेहद जरूरी है। जिस वक्त अखिलेश यादव कन्नौज में 3 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, किसे चुनाव लड़ाया जाए इसके लिए जमीन टटोल रहे थे, ठीक उसी दिन कन्नौज में बीजेपी के कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने 7 घंटे तक जनसंपर्क अभियान चलाया और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है, अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की किसी भी ऐसी सीट जहां के ऊपर यादव जीतने की मतलब लड़ने की स्थिति में हो सकता है, सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है। मैंने उनकी नजरों में उत्तर प्रदेश में कोई यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। यह परिवारवाद का अनूठा उदाहरण है। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि अखिलेश जहां जहां चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी का एक बड़ा नेता वहां पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अखिलेश अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो बीजेपी के लीडर ग्राउंड पर वोटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की कंफ्यूजन ने बीजेपी को शुरुआती माइलेज दे दिया। पहले खबर ये थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से 24 का चुनाव लड़ सकते हैं, मगर बाद में उनके चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह की चर्चाएं शुरू हो गई, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी कितने भी दांव पेच आजमा ले सुब्रत पाठक सारी रणनीति पर भारी पड़ेंगे। जो संदेश जाएगा और जो जोश दिखाई दे रहा है इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है। कन्नौज को लेकर अखिलेश अगर मगर के फेर में है, ठीक उसी तरह की दुविधा बदायूं को लेकर है। उस बदायूं पर जहां पहले धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया, फिर चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया, अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की लॉन्चिंग की अटकलें हैं। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल अगर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए तो आदित्य यादव का नामांकन कराया जा सकता है, जिसके लिए वो बदायूं में एक्टिव है। अखिलेश यादव सांसद का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे, उसके बाद जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े तो 25 साल के थे। अब इसकी तो मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ के लोगों ने जो प्रस्ताव रख दिया है, जो शर्मा जी बैठे हैं पूर्व विधायक, उन्होंने प्रस्ताव रखा यहाँ समर्थन कर दिया। जनता ने अपना मन भी बताया है, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है और पार्टी ही तय करती है।
तो मैं समझता हूँ पार्टी का जो निर्णय हम लोग का स्वीकार है। पार्टी ने हम लोगों को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए बधाइयों लोकसभा में मजबूती, और मजबूती बहुत है बधाइयों, लोकसभा बहुत पुरानी समाजवादी पार्टी की सीट रही है। चुनाव से पहले शिवपाल का बधाइयों में सरेंडर अखिलेश को टेंशन दे रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह सीएम योगी का बधाइयों में एक घंटे तक डेरा डालना भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे परिवारवाद और बार बार कैंडिडेट बदलने को लेकर मुलायम कुनबे पर तंज कसा, पहले वो सुनिए फिर बताएंगे क्यों समाजवादी कार्यकर्ता ही अखिलेश को डरा देने वाली बातें कर रहे हैं। और जैसे दिग्विजय सिंह साके का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान बहुत ही प्रारंभ कर दिया। जोश के साथ अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री, प्रत्याशी आए हो भाग गए, और हमारे परिवार के मुखिया करके भागने की तैयारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी के 5 बार सांसद रह चुके हैं, मगर अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं, मगर उन्हें वहां से हटाकर आजमगढ़ पहुंचा दिया है। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले पूर्व राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा इसी बदायूं से आते हैं। इनमें से अखिलेश को केवल धर्मेंद्र का साथ मिल रहा है, बाकी सब भीतरघात में जुटे हैं। इसीलिए वोटर्स तो छोड़िए, अखिलेश के वर्कर में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जबकि अखिलेश यादव का प्लान है बदायूं और कन्नौज में किसी तरह परिवार की साख को बचाना। सहसमान विधानसभा है जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक भी चुनकर पहुंचा है, उस विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं। मजेदार बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव यहां से प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की इच्छा यही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? माहौल यही जीत है, आदित्य यादव जीतेंगे। हाँ, आप लोग भी चाहते हैं शिवपाल यादव लड़े या आदित्य लड़े? आदित्य को सुनते हैं। चुनाव लड़े तो ज्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लाखों से जिताबंगे, लाखों से जिताबंगे सुखपाल चाचा हूँ। लेकिन यहाँ तो चर्चा ही है कि चाचा चाहते हैं कि बेटा चुनाव, चाचा चाहते हैं उनका बेटा चुनाव लड़े, आदित्य चुनाव लड़े। कोई लड़ा है उनमें लड़का लड़ा है, बेटा लड़ा है, सुखपाल लड़े, हम तो नहीं बोल। सलीम इकबाल शेरवानी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कई बार सांसद भी यहाँ से रहे, वो भी बाहरी थे, प्रयागराज से आकर यहाँ पर उन्होंने सियासत की, तो उनकी नाराजगी का कोई असर नहीं होगा क्या? नहीं, कोई नाराजगी, वो साथ हैं, सब मुस्लिम चेहरा सब साथ है, और बाकी हर वर्ग साथ दे रहा है। यहाँ पे तो परंपरा रही है कि धर्मेंद्र जी भी बाहरी थे, इकबाल साहब बाहरी थे, कभी शरद यादव हुए थे वो भी बाहरी थे, बाहरी लोग बहुत आते रहे। चाचा नहीं रहते हैं बाहर, चाचा भी हैं, भैया जी हैं, सब लोग यहीं रहेंगे जी। एमपी साहब यहाँ जब बदायूं से सांसद हुए थे, बदायूं रहते थे वे कोटी पे। अखिलेश कन्नौज और बदायूं की लड़ाई में वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, मगर एक मुद्दा बाहरी वर्सेस लोकल का भी है, जिसे बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी 5 बार चुनाव जीत चुकी है, मगर एक बार भी स्थानीय नेता नहीं थे, सभी सांसद दूसरे जिलों के रहने वाले थे। जबकि बीजेपी के सुब्रत पाठक 2019 में यहां से चुनाव जीते तो 41 साल बाद स्थानीय सांसद मिले। इस बार भी उन्हीं सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है। बदायूं ने समाजवादी पार्टी को 6 बार चुनाव जिताया, हर बार बाहरी सांसद था। इस बार के कैंडिडेट शिवपाल यादव भी बदायूं के मूल निवासी नहीं, जबकि बीजेपी ने स्थानीय कैंडिडेट के तौर पर दुर्विजय सिंह शाके पर दांव खेल दिया। शायद यही वजह है कि योगी अखिलेश से एक कदम आगे दिख रहे हैं, वो हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, और बदायूं से अगर आप चलेंगे गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, आपको प्रयागराज जाना होगा मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या ये कार्य सपा कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? बाहरी वर्सेज लोकल की लड़ाई यहीं तक सीमित है, यूपी की कई और सीटों पर इसी कला ने अखिलेश को बैकफुट पर ला दिया। यूपी की 6 सीटें भी ऐसी हैं जहां अखिलेश अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं, जबकि बीजेपी ने अभी तक जारी 63 उम्मीदवारों में केवल एक ही जगह कैंडिडेट बदला है, वो भी खुद पहले कैंडिडेट के नाम वापस लेने के बाद। समाजवादी पार्टी में इतना भारी कंफ्यूजन है कि अब 80 जीतने की बात छोड़िए,
सब अपनी अपनी सीट को लेकर डरे। हालांकि अखिलेश इस फैक्ट को इग्नोर कर बाकी राज्यों में बीजेपी की सिचुएशन बता रहे हैं। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही, उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। अखिलेश को मालूम है कि अगर 24 की लड़ाई में उन्हें हार मिली तो सियासी करियर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और शायद इसीलिए अखिलेश को समझ नहीं आ रहा कि योगी से कैसे पार पाए। इसी असमंजस के चलते अखिलेश ने कांग्रेस के होली मिलन से दूरी बना ली। अखिलेश ने कांग्रेस के हिस्से वाली 17 सीटों पर इलेक्शन से पहले ही चुप्पी साध ली है। कांग्रेस के साथ अखिलेश का हाल तुम मेरे हो मगर मैं तुम्हारा नहीं वाला नजर आ रहा है और योगी इसी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बाद अब योगी की नजरें यादव लैंड वाली सीटों पर है। बदायूं से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।